महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज हुआ ये खराब रिकॉर्ड, जडेजा को भी छोड़ा पीछे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में महेंद्र सिंह धोनी भारत की तरफ से दूसरे सबसे अधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी रहे। धोनी ने 37 गेंदों पर 29 रन बनाए, लेकिन बावजूद इसके उनके नाम एक खराब रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारत 20 ओवर में 7 विकेट खोकर केवल 126 रन बना सका। क्रीज पर अधिकांश समय महेंद्र सिंह धोनी को संघर्ष करते ही देखा गया। वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सहजता से नहीं खेल पाए। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने 29 रनों में केवल एक चौका और एक छक्का लगाया। यह धोनी की सबसे धीमी पारी रही। कम से कम 35 गेंदें खेलने के बाद यह उनका सबसे कम स्ट्राइक रेट था। उनका स्ट्राइक रेट 78.38 का रहा। यह दूसरा सबसे कम स्ट्राइक रेट है। इससे पहले रविंद्र जडेजा 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ 35 गेंदों में 25 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 71.42 रहा था। इस सूची में तीसरे नंबर पर दिनेश मुंगिया हैं, जिन्होंने 84.44 की स्ट्राइक रेट से 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 गेंदों में 38 रन बनाए था। वेस्ट इंडीज के खिलाफ धोनी ने एंटीगुआ में 2017 में 108 गेंदों पर 50 रन बनाकर वनडे में सबसे धीमा अर्धशतक बनाया था। सदगोपाल रमेश ने 1999 में केन्या के खिलाफ सबसे धीमा अर्धशतक बनाया था, जबकि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने श्रीलंका के खिलाफ 2005 में तीसरा सबसे धीमा अर्धशतक बनाया था। हालांकि धोनी ने इस साल की शुरुआत शानदार फॉर्म के साथ की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैचों में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। बता दें कि भारत ने 7 विकेट पर 126 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 127 रन बनाकर भारतीय समर्थकों को मायूस कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से यह मैच जीता। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। जून 2016 के बाद से यह पहली बार है जब भारत ने लगातार 2 टी20 मैच मनवाए हैं। भारत की अपनी जमीन पर पिछले 8 टी20 मुकाबलों में यह पहली हार है। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे। उमेश यादव अंतिम ओवर डाल रहे थे, उनकी दूसरी और पांचवी गेंद पर चौके पड़ गए। ऑस्ट्रेलिया को अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए थे और पैट कमिंस ने 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मैच जिता दिया। झायल रिचर्डसन और पैट कमिंस 7-7 रन बनाकर नाबाद रहे। बुमराह ने 16 रन पर 3 विकेट लिए, जबकि यादव ने 4 ओवर में 35 रन लुटाए। यादव का आखिरी ओवर भारत के लिए भारी पड़ा।